टाउनशिप के मकानों की रजिस्ट्री बुधवार से शुरू हो गई है। पहले ही दिन सैकड़ों की संख्या में टाउनशिप के लोग अपने आवासों का पंजीयन करवाने के लिए पहुंचे। बुधवार की सुबह से ही टाउनशिप के लीज धारक अपने आवासों की रजिस्ट्री करवाने के लिए जिला पंजीयन कार्यालय पहुंच गए थे। पंजीयन कार्यालय खुलते ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो गई और फिर लगातार सबका बारी बारी से रजिस्ट्री शुरू किया गया। इस अवसर पर विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल ने सबको बधाई दी और कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रहते हुए कोई काम असंभव नहीं है। उन्हीं के मार्गदर्शन में यह बड़ी सफलता भिलाई वासियों को मिली है। जनता पार्टी की सरकार जो लीज की रजिस्ट्री के मुद्दे को ये कहती थी कि कोमा में है लीज की रजिस्ट्री, आज भूपेश बघेल जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस पूरे विषय का समाधान कर दिया और लीज की रजिस्ट्री की शुरुआत हो गई है। पूरे भिलाई में उत्सव का माहौल है, 4500 परिवार डायरेक्ट इससे लाभ ले रहे हैं और ये एक शुरुआत है। आने वाले समय में इस तरीके से ही एक एक करके टाउनशिप की जो कड़ियों को ऐसा बांध के रखा था जिससे लोगों को समस्या हो रही थी, उन सभी कड़ियों का समाधान हम करेंगे। देखिए क्राइटेरिया क्या, जिसकी लीज है वो उसकी उसकी रजिस्ट्री होगी और दर और दाम भी बहुत कम है, कोई समस्या। आज मुझे लगता है कि 6 से 7 लोगों ने अप्लाई किया है, उनकी रजिस्ट्री होगी।